10th supplementary lesson number 1 then went to kept his promise written by थॉमस अल्वा एडिसन। क्या बच्चों आज हम लास्ट के जो दो पैसेज बचे हुए थे हमारे कक्षा 10th के लिए देन वेंट टू बुक कैप हिज प्रॉमिस के उनकी स्टडी करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, हम पढ़ चुके थे कि जो एडिशन थे अपनी सफलता के पीछे उन्होंने किसको अपनी माता की सहायता प्रोत्साहन और अपने कठिन परिश्रम को श्रेय दिया था। इसके बाद देखिएगा इन मार्च 1878 ईस्वी में ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, उन्होंने एक विद्युत बल्ब पर कार्य करना प्रारंभ किया। पीपल यूज कैंडल्स, तब लोग कैंडल्स प्रयोग करते थे, कैंडल्स जलाते थे या एंड ऑयल लैम्प्स या तेल वाले लैम्पों का प्रयोग करते थे। उन दिनों लोग तेल वाले लैंप या मोमबत्ती का प्रयोग करते थे। एडिसन प्रोमिस्ड टू गिव देम इलेक्ट्रिक बल्ब, एडिसन ने उन्हें विद्युत बल्ब देने का वायदा किया इन टू ईयर्स, दो वर्षों में। एडिसन ने लोगों को दो वर्षों में विद्युत बल्ब देने का या विद्युत प्रकाश देने का वायदा किया। व्हेन ही सेड दिस, जब उन्होंने ऐसा कहा, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, सभी वैज्ञानिक उन पर हंसे। दे सेड, उन्होंने कहा, दैट इट वाज इम्पॉसिबल, कि यह संभव है। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, किंतु एडिसन ने इन सब की परवाह नहीं की। ही वर्क्ड हार्डर एंड हार्डर, उन्होंने और कठिन परिश्रम किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट, उन्होंने हजारों प्रयोग किए, बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, किंतु वे सभी असफल हुए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, किंतु उन्होंने साहस नहीं छोड़ा, आशा नहीं छोड़ी। ही मस्ट कीप माई प्रोमिस, सॉरी आई मस्ट कीप माई प्रोमिस टू द पीपल, मुझे लोगों को दिया हुआ वायदा पूरा करना है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा, एंड वर्क हार्डर स्टिल, और कठिन परिश्रम किया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वे समय के विरुद्ध दौड़ रहे थे। एट लास्ट अंत में ही सक्सेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियर बाय 1200 एक्सपेरिमेंट, वे लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद एक विद्युत बल्ब बनाने में सफल हुए। ऑन न्यू ईयर्स डे, नए वर्ष के दिन 1880 ईस्वी में ही एंड हिज वर्कर्स, वे और उनके कार्यकर्ता पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स एट हिज लैबोरेटरी, उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में विद्युत बल्ब जलाया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, पूरी अमेरिका से, समस्त अमेरिका से लोग केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए आए। एडिसन हैड कैप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने लोगों से किया हुआ वायदा पूरा किया। ऑन 4 सितंबर, 4 सितंबर को 1882 ईस्वी में फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, पहली बार न्यूयॉर्क विद्युत प्रकाश से प्रकाशित हुआ या जगमगा उठा। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देश की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन, उन्होंने 40 युद्ध के समय के आविष्कार किए, युद्ध के समय आविष्कार किया, 40 नई खोजें की, युद्ध के लिए 40 नई खोजें की। एंड वाज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, और उन्हें इस कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। इन 1929 ईस्वी में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब की सिल्वर जुबली बार सेलिब्रेटेड इन ग्रैंड मैनर, एक अद्भुत तरीके से शानदार ढंग से मनाई गई। यानी कि 1929 ईस्वी में विद्युत बल्ब के आविष्कार की जो रजत जयंती थी वो एक भव्य रूप में मनाई गई। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन, और यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित किया, एक बड़े फंक्शन में बुलाया और सम्मानित किया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, एडिसन राष्ट्रपति को धन्यवाद कहने के लिए फंक्शन में खड़े हुए।
बट सडनली फैल किन तो अचानक बीमार हो गए। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उनकी बीमारी बहुत भयंकर थी, बहुत ज्यादा थी। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग, और वे संडे की सुबह को खत्म हो गए, यानी कि मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। 18 अक्टूबर 1931 ईस्वी में एडिशन मृत्यु को प्यारे हो गए या स्वर्गवास से धार गए। दस एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन, इस प्रकार एक महान, यानी कि उनकी बीमारी इतनी ज्यादा थी कि उनका देहांत हो गया, इस प्रकार एक महान तथा विख्यात व्यक्ति के जीवन का अंत हो गया। इस प्रकार एक महान तथा विख्यात व्यक्ति के जीवन का अंत हो गया। Who enriched with human life and happiness, जिन्होंने मनुष्य जीवन को खुशी प्रदान की। He said, मंजूर ने एक बार कहा था, I shall never invent anything which will destroy life, कि मैं ऐसी चीज की खोज नहीं करूंगा, ऐसी चीज का आविष्कार नहीं करूंगा जो ऐसी चीज का आविष्कार कभी नहीं करूंगा जो मनुष्य जीवन को खतरे में डाल दे, मनुष्य जीवन का विनाश करे। I want to make the people happy, मैं लोगों को खुश रखना चाहता हूँ, खुश देखना चाहता हूँ। He also said, उन्होंने भी कहा, The world has been in darkness too long, कि संसार इतने लंबे समय से अंधकार में है। I would like to give to the world more laughter and more light, मैं इस संसार को प्रकाश दूर प्रकाश दूंगा और खुश रखूंगा। He kept his word, उन्होंने अपना वायदा पूरा किया। His gramophone has brought us more laughter, ग्रामोफोन से मनुष्य के जीवन को मनुष्य को खुशी प्राप्त हुई। एंड हिज इलेक्ट्रिक बल्ब हैज गिवन मोर लाइट, और विद्युत बल्ब से प्रकाश की प्राप्ति हुई, यानी कि विद्युत बल्ब के द्वारा उन्होंने प्रकाश प्रदान किया। टुडे आज भी आवर कंट्री, हमारा देश एंड द वर्ल्ड और संसार नीड्स मोर मैन लाइक एडिशन, आज भी हमारे संसार को और देश को एडिशन जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के लड़की को, शुड फॉलो इस ग्रेट एग्जांपल, इन महान एडिसन जैसे महान व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए, उनके महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है और आपके वर्क की पीडीएफ फाइल आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहां से अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जैसे आपको वीडियो जितनी अच्छी लगती है तो उसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।